हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ अपने टू चैनल स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट में। इस वक्त मैं आपको क्रिकेट से रिलेटेड खबरें आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छी वीडियो मिल सके। पहली बड़ी खबर करूँ क्रिकेट खबर निकल के आ रही बांग्लादेश क्रिकेट के हवाले से, तो की बड़ी खबर कि बांग्लादेश क्रिकेट ने 30 खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है वेस्टइंडीज़ के खिलाफ होने वाले 20 जनवरी से होने वाले वनडे और टेस्ट सीरीज के लिए। उन्होंने 30 खिलाड़ियों का उनकी 30 खिलाड़ियों की सिलेक्शन कर दी है, उसमें मशरफी मुर्तजा शामिल किया गया है। लेकिन खास बात इसमें यह है कि शाकिब अल हसन लगभग 2 साल के बाद क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं, बेहतरीन खिलाड़ी हैं और अब वो 20 जनवरी से होने वाले वनडे सीरीज में खेलते हुए दिखेंगे। और ये तय हो चुका है कि वो बांग्लादेश की तरफ से 2021 में खेलेंगे। दूसरी बड़ी खबर का रुख करें, खबर निकल के आ रही है सईद अजमल के हवाले से, जरूरत की बड़ी खबर कि पीएसएल में सईद अजमल को असिस्टेंट कोच बना लिया गया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड में वो असिस्टेंट कोच की जिम्मेदारी संभालते हुए दिखेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सईद अजमल बहुत ही बेहतरीन ऑफ स्पिनर रह चुके हैं और 2012-13 तक बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी करते थे और अब उनको इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से असिस्टेंट कोच नियुक्त किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। तीसरी बड़ी खबर का रुख करें, खबर निकल के आ रही है न्यूजीलैंड कैप्टन केन विलियमसन के हवाले से, जरूरत की बड़ी खबर कि केन विलियमसन पहले न्यूजीलैंड बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने सबसे तेज़ और सबसे ज़्यादा 7,000 रन बनाए। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है कि केन विलियमसन पहले न्यूजीलैंड के खिलाड़ी बन गए जिन्होंने सबसे तेज़ 7,000 रन बनाए हैं न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हुए, और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी वो करते हैं और 2020 में भी बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की थी और आज 2021 के शुरुआत में ही उसने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है। अभी तक 155 रनों पर वो नाबाज है। चौथी बड़ी खबर का रुख करें, खबर निकल के आ रही है सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी के हवाले से, जरूरत की बड़ी खबर कि तमिलनाडु में जो चेन्नई में बायो बबल बना है, जो 5-7-8 टीमों का बायो बबल बना है, वहां पर एक होटल में एक अधिकारी का टेस्ट पॉजिटिव आया है और बीसीसीआई के मुताबिक सभी खिलाड़ी सेफ हैं, लेकिन वहाँ के होटल के एक अधिकारी का टेस्ट पॉजिटिव आया है और अब उनके जो बीसीसीआई के मुताबिक खिलाड़ी सभी अभी तक सेफ है और उनको खिलाड़ियों को एसओपी का फॉलो कराने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है और अब खिलाड़ियों का दूसरा टेस्ट लिया जाएगा। पहला टेस्ट खिलाड़ियों का लिया गया है, अब दूसरा टेस्ट लिया जाएगा और तीसरा फिर उसके बाद वो प्रैक्टिस शुरू कर पाएंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छी वीडियो मिल सके। थैंक यू।